दर्शकों को मैं हूं आशिका पाटोगी आपके साथ और वक्त हो चुका है आज के पांच के पंच का। शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए तीन बड़े भूकंप से अब तक करीब 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच चुका है। UNICEF के मुताबिक त्रासदी में हजारों बच्चों की जान जाने की आशंका है। फिल्म एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। कियारा सिद्धार्थ ने शाम 6:30 बजे के करीब जैसलमेर की होटल सूर्यगढ़ की बावड़ी में फेरे लिए। शाही शादी के लिए होटल में विदेशी फूलों के मंडप सजाए गए। शादी के बाद रिसेप्शन हुआ, इसके बाद देर रात दोनों की शादी के फोटो सामने आए। वही कियारा ने इंस्टा पर लिखा, अब हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई है। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने पूछा कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे, तो 6 साल में न जाने क्या जादू हो गया, अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय या पुलिस कस्टडी में बंद महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मंगलवार को सिस्टर सैफी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका 2009 में दायर की गई थी। सिस्टर सैफी को 1992 में एक नन सिस्टर अभिया की हत्या का आरोपी ठहराया गया था। दिल्ली के महरौली में हुई श्रद्धा वाकर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आफ्ताब पूनावाला ने अपनी 11 पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद उसका चेहरा और सिर बिगाड़ने के लिए ब्लोटॉर्च धातु गलाने वाला बर्नर का उपयोग किया था। आफ्ताब ने कबूल किया है कि श्रद्धा की हस्तियां जलानी और ग्राइंडिंग मशीन में पीसने का उसका पिछला खुलासा पुलिस को गुमराह करने के लिए था।